स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। नोटबंदी पर हमारी ये खास पेशकश, क्या आरबीआई ने 500 और 1000 के नोटों को लेकर लोगों के साथ धोखा किया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर को किए ऐलान में ये कहा था कि 31 मार्च तक पुराने नोट यानी 500 और 1000 के नोट आरबीआई में बदलवाए जा सकते हैं। लेकिन अब आरबीआई जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उन्हें इस बात से इनकार कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चंडीगढ़ में आरबीआई दफ्तर के बाहर खड़े ये लोग भारी उलझन में हैं। इन लोगों के लिए पुराना नोट नया बवाल बन गया है। मंगलवार को ये लोग आरबीआई के रीजनल सेंटर में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा कराने पहुंचे थे, लेकिन इनकी उम्मीदों को उस वक्त करारा झटका लगा जब आरबीआई दफ्तर के बाहर नजर आया ये नोटिस। नोटिस में साफ तौर पर लिखा था कि इनके नोट नहीं बदले जाएंगे। ये सुविधा सिर्फ नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और मुंबई में उपलब्ध है। इससे ज्यादा इन लोगों का जो है खर्चा पड़ जाएगा, इतने सारे लोग खड़े हुए। मैडम आपका नाम क्या है? हरमिंदर। कहाँ से आए आप लोग? चंडीगढ़ से आए हैं जी। कितने पैसे आपको बदलवाने? मेरे पास 6000 रुपए हैं। वो पापा बीमार हो गए थे, स्ट्रेस में थे, इनका पीछे इलाज चल रहा है। इनके पॉकेट अब जैसे विंटर्स की मोटी जैकेट निकाली तो उसमें 5-6 हजार पड़े थे, इनको पता नहीं था। तो ये 6000 लेकर अगर चेन्नई बॉम्बे जाते हैं हम तो ये तो वहीं खर्च हो जाएंगे। ये ब्लैक मनी तो नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इसको कहाँ से चेंज करवाएं। आपके पास कैसे रह गए ये पैसे? मैं बाहर था, फॉरेन में था, तो घर पे थे ये, कोई और नहीं था। तो अब आया हूँ तो बदलवाने के लिए आया था यहाँ पे। आपको क्या समस्या आई? आपके पैसे कैसे भूल गए? ये सर अब सर्दियों के पॉकेट में, अब सर्दियों के जैसे निकाल रहे हम कपड़े, उनमें से निकल जाते, कहीं पर रख के भूल जाते हम। गौरतलब है कि चंडीगढ़ का आरबीआई रीजनल सेंटर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल करता है, लिहाजा पुराना नोट जमा करवाने यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचे थे। बिहार की राजधानी की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। पटना में मंगलवार सुबह जब बड़ी तादाद में लोग 500 और 1000 के पुराने नोट बदलवाने पहुंचे तो उनकी उम्मीदों पर ये नोटिस चिपक गया। आरबीआई के पटना ब्रांच में लोग नोट बदलवाने तो आ रहे हैं, लेकिन यहां पर नोट अब नहीं बदले जाएंगे। साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि 2 जनवरी से केवल एनआरआई और जो 9 नवंबर से लेकर अब तक विदेशों में थे उनके बदलने के लिए ये नोटिस लगाई गई है। लेकिन आरबीआई के इस नोटिस से लोग भड़के हुए हैं, पूछ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया था। हम लोग 31 दिसंबर से पहले 3-4 बार भी आए, हर बार जब भी आए वो लोग बोले नहीं आप लोग जाइए, 1 जनवरी के बाद आपका फटा हुआ 500 और 1000 का नोट बदला जाएगा। लेकिन अब जब हम लोग आ रहे हैं जनवरी में तो बोल रहे हैं नहीं बंद हो गया है, सरकार की तरफ से रूल आ गया, अब नहीं होगा, आप लोग का कुछ नहीं होगा, नोट लेके वापस चले जाइए। 8000 हम बच्चा के लिए धरे, नुका करके पति से चुरा करके, हाँ बच्चे के लिए धरे, हम गांव चले गए पैसा बोला। पति को भी नहीं पता है? नहीं, किसी को नहीं पता, हम नुका करके धरे चुरा करके। जाहिर है आरबीआई का नया फरमान लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। देश के 3 महानगरों से भी कल ऐसी तस्वीर सामने आई थी। आरबीआई के बाहर सुबह से लोग नोट बदलवाने जमा हुए थे, लेकिन बैंक ने साफ कह दिया कि जो लोग 9 नवंबर से विदेशों में थे या एनआरआई हैं, उनके ही नोट बदले जाएंगे। जो गार्ड लोग हैं कह रहे थे नहीं इंडियन अंदर नहीं जा सकते, मैंने इंडियन अंदर नहीं जा सकते, अरे ये देश हमारा, बैंक हमारा, हम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ इंडियनों के पैसे जमा करने के लिए, सिर्फ फॉरेनर पैसे जमा करवा सकते हैं। ना ही डिपॉजिट करेंगे ना ही एक्सचेंज करेंगे, वो कह रहे हैं कि ये रद्दी है, हम सिर्फ एनआरआई जो है उन्हीं के मतलब एक्सचेंज करेंगे या डिपॉजिट करेंगे। सवाल उठता है कि अचानक आरबीआई ने नोट बदली को लेकर नियम कैसे बदल दिया? क्या 8 नवंबर को देश के नाम संबोधन में पीएम का वादा झूठा था? रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। दरअसल बात सिर्फ चंद 100 या 1000 रुपए के नोट की नहीं है, मुद्दा भरोसे का है। जब सरकार ने 31 मार्च की डेडलाइन खींची थी तो अचानक बगैर किसी प्रचार प्रसार के नियम क्यों बदल दिया गया? अगर इसी तरह तुरंत तुरंत नियम बदले जाएंगे तो फिर जनता सरकार पर भरोसा कैसे करे? चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान और पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।
पुराने नोटों को बंद करने का फैसला सरकार ने इस मकसद से लिया ताकि काले धन के कलंदरों पर शिकंजा कसा जा सके, लेकिन ये लोग इतने चालाक हैं कि नई करेंसी का भी काला धन का जुगाड़ इन्होंने करना शुरू कर दिया। देखिए जयपुर और कानपुर से रिपोर्ट। पिंक सिटी में पिंक नोटों की खेप जब्त, कानपुर में गनर के खाते में आए करीब 100 करोड़। जयपुर से कानपुर तक नोटों का मायाजाल। तस्वीरें जयपुर की हैं। डीएसपी साहब के दफ्तर में उनकी टेबल पर नोटों के बंडल रखे हुए हैं। टेबल पर इतने नोट हैं कि गिनती के लिए मशीन लगानी पड़ी। नोटों की इस खेप में 2000 के पिंक पिंक नोट हैं, 500 के नए नोट हैं, 100 के नोट हैं, 50 और 10 के भी नोट हैं। नोटों के अलावा भारी मात्रा में सिक्के भी मिले हैं। जयपुर पुलिस ने नोटों की एक खेप इस ट्रक से बरामद की है। सबसे पहले आपको इन नोटों का हिसाब किताब बता दें। करीब 26 लाख रुपए के नोट पकड़े गए हैं। 19 लाख 2000 रुपए के 2000 के नोट हैं। 43,000 के 500 के नए नोट हैं। 5,125 रुपए के 5 के नोट मिले हैं। 40,400 रुपए के 10 के सिक्के बरामद हुए हैं। बाकी नोट 100, 50 और 10 के हैं। 19 लाख 2000 रुपए के 2000 के नोट हैं। और 43,000 रुपए 500 के टोटल 19,45,000 रुपए नई करेंसी के नोट हमें बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस बारे में सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए नोट ले जाए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने शाहपुरा के जयपुर तिराहे पर चेकिंग शुरू की। इस ट्रक को रोका गया। जब तलाशी ली गई तो पुलिस को ट्रक से 4 बंडल मिले जिन्हें कुरियर की तरह पैक करके रखा गया था। जब पैकेट खोले गए तो उनमें नोट मिले। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर के पास नोटों से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला है, ना ही नोटों के बारे में वो कोई संतोषजनक जवाब दे पाया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इसके पास कोई कागजात, कोई रसीद, पैसों का कोई हिसाब किताब फिलहाल कुछ भी नहीं है और बिल्कुल संदेहजनक रूप में ये रुपए लेके जा रहा था। नोटों के मायाजाल की कहानी कानपुर से भी सामने आई है। यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के गनर इकबाल टेंशन में हैं। अचानक उनके खाते में 99,99,000 रुपए आ गए हैं। इरफान का कहना है कि पहले उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें रकम ट्रांसफर होने की बात थी। इसके बाद उन्होंने एटीएम का रुख किया और मिनी स्टेटमेंट निकाली। उसमें भी उनके खाते में 99,99,000 का बैलेंस आया। मैंने मिनी स्टेटमेंट निकाला तो उसमें जो है ये पैसे अकाउंट पर कितने रुपए दिखा रहा है तुम? करीब जो है 99,99,999,000 का मैसेज आया मोबाइल में। क्या मैसेज? इसमें वही मैसेज आया, ये 99,99,999,000। खाते में अचानक आई इतनी बड़ी रकम देखकर इकबाल हैरान परेशान हो गया। उसने तुरंत विधायक इरफान सोलंकी को सूचना दी। इकबाल को लेकर इरफान फौरन डीएम के पास पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। मैसेज आया उसके फोन पे और जब हमने कहा जाओ रसीद ले आओ, हो सकता मैसेज फेक भी चल रहे हैं, फेक आने में क्या, जब अकाउंट से रसीद निकाली तो ये आया। उसके बाद तुरंत सूचना करी। कल जो है अभी जब पैसा ही लेने गया तो मुझे जो लग रहा है कि इसका अकाउंट सीज कर दिया गया है। ये रकम किसकी है, कैसे इकबाल के खाते में आ गई, किसी की गलती की वजह से ऐसा हुआ या किसी ने जानबूझकर पैसे को इकबाल के खाते में ट्रांसफर कर दिया, हर पहलू की पड़ताल के लिए डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो 99,99,00,000 की धनराशि उनका अवेलेबल बैलेंस दिखाया जा रहा है। इस बात की उनके द्वारा शिकायत की है कि बैंक ब्रांच बंद हो चुकी है, इस बात की जांच कराई जाए क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि उनके द्वारा जमा नहीं कराई गई है। तो हम लोग कल डीजीएम जो एसबीआई हैं उनको ये जांच दे रहे हैं। नोटबंदी के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं नोटों की खेप मिल रही है तो कहीं किसी के खाते में अचानक बड़ी रकम ट्रांसफर हो जा रही है। जयपुर से विक्रांत शर्मा के साथ रंजय सिंह, कानपुर।